दोस्तों ये हमारा फाइनल कट प्रो का बिक्सर UHD डोंगल की है। इसको हम सिंगल क्लिक करते हैं। फाइनल कट प्रो खुल गया। थोड़ा वेट कर लेंगे क्योंकि ये अभी इफेक्ट वगैरह डेटा वगैरह लोडिंग ले रहा है। इसमें हम बताएंगे कि आप फोटेज को किस प्रकार से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा, कमांड ओ प्रेस कीजिए और एक न्यू का ऑप्शन दे रहा है। आप जिस पार्टी का वीडियो एक्सपोर्ट करना है या मिक्सिंग करना है उसका एक फोल्डर बना लीजिए और कहीं डेस्कटॉप पर रख लीजिए। मैं यहाँ पर रख ले रहा हूँ। आप कुछ भी नाम डाल सकते हैं और यहाँ पर एक आपका लाइब्रेरी ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आप फोटेज है या फिर किसी का पूरा कंप्लीट वीडियो है, यहाँ पर से इंपोर्ट करने का ऑप्शन दे रहा है। इंपोर्ट मीडिया है, इंपोर्ट मीडिया पर आप क्लिक कीजिए। ये आपका लोकेशन पूछ रहा है कहाँ पर आपका डेटा वगैरह रखा हुआ है, आप वहाँ से ओपन कर सकते हैं। हम फोटेज के लिए क्या करते हैं, यहाँ से वीडियो ले ले रहे हैं। देखिए हमारा ये वीडियो आ गया है और इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक कमांड एन भी कर सकते हैं या फिर आप राइट क्लिक का बटन प्रेस कीजिएगा तो यहाँ पर कमांड एन का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट ले लेंगे और ये फ्रेम रेट हम सेटिंग कर लेते हैं 25 रहेगा और ये साइज ठीक रहेगा, बाकी सब सही है और इसको ओके हम कर दे रहे हैं। ओके करने के बाद क्या है, बॉय का फोटेज काटना है तो आप यहाँ पर ड्रॉप करके डायरेक्ट रख भी सकते हैं या फिर आप यहाँ पर क्लिक करने के बाद अपने कीबोर्ड में W प्रेस कीजिएगा, ऑटोमेटिक टाइमलाइन पे आ जाएगा। अब ऑडियो गिराना है, ऑडियो के लिए देखिए यहाँ पर आपको प्लस माइनस जूम आउट ही होगा आपको कीबोर्ड मोड से। कीबोर्ड में आपको जूम आउट करना है तो ये आपको प्लस माइनस का दिया हुआ है सिंबल, वहाँ पर से आप क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद देखिए वहाँ पर ऑडियो गिराना है दोस्तों, देखिए ऑडियो गिर रहा है, इसको हम ऑडियो गिरा दे रहे हैं क्योंकि इसका इस वीडियो के अंदर जो फोटेज काटेंगे ना तो उसको ऑडियो गिराना ज़रूरी है, नहीं तो फ्रेमिंग में इसका ऑडियो भी आते रहेगा। अब इसको क्या करना, 1 मिनट का पूरा फोटेज कट के रखना है, 1 मिनट पूरा कंप्लीट रहेगा और बाकी का वीडियो को हम हटा दे रहे हैं, ज़रूरत नहीं है अभी। ये आपका 1 मिनट का पूरा हो गया, सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पर हम जाएंगे शेयर का ये आइकॉन बना हुआ है और यहाँ पर मास्टर फाइल डिफॉल्ट है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर सेटिंग एक बार हम चेक कर लेते हैं। देखिए दोस्तों जो मास्टर फोटेज एक्सपोर्ट करने का जो सेटिंग है ना वो हम बता दे रहे हैं, यहाँ पर ये रहेगा ठीक है। सारा सेटिंग देख लीजिए, जो फोटेज एक्सपोर्ट कीजिएगा उसके अंदर का जो सेटिंग है ना सेम ये होना चाहिए। अगर बाय मिस्टेक कहीं गड़बड़ रहेगा तो फिर फोटेज एक्सपोर्ट होने में या फिर उसके बाद जो एक्सपोर्ट होगा उसके बाद जो आप वीडियो वगैरह रेडीमेड प्रोजेक्ट में यूज कीजिएगा तो एरर मारेगा, इसीलिए आप सेटिंग को ध्यान से देख लीजिए, यही सेटिंग होना चाहिए। उसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर डेस्कटॉप पर फोटेज का फोल्डर बना हुआ है, यहाँ पर हम रिप्लेस कर देते हैं। इसके लिए हम फोटेज डाल देते हैं इसके अंदर में, डेस्कटॉप में मेरे पास फोटेज डाला हुआ नहीं है। ये फोटेज दोस्तों इसको हम कॉपी कर ले रहे हैं और ये डेस्कटॉप पे आ जा रहे हैं, फोटेज का फोल्डर में इसको पेस्ट कर दे रहे हैं और इसको कुछ ज़रूरत नहीं है इसको हम हटा दे रहे हैं। ये फोटेज अंदर में आ गया, फिर से एक बार दिखा दे रहे हैं कैंसिल करके। ये आपको दोस्तों देख लीजिए 1 मिनट का पूरा कंटिन्यू वीडियो होना चाहिए, 1 मिनट हो गया। अब यहाँ से शेयर पर क्लिक करेंगे, मास्टर में आएंगे और यहाँ पर हम एक सेटिंग मिला रहे हैं, सेटिंग ठीक है, इसको ऊपर में रहने देंगे, बाकी सारा ठीक है। अब इसको दोबारा करने की ज़रूरत नहीं, फिक्स हो गया ये। यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे,
नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों देखिए यहाँ पर बॉय का है, बॉय का रिप्लेस कर देते हैं फुटेज। ध्यान रखें डेस्कटॉप पर हमको रिप्लेस करना है। दोस्तों ये क्या हो रहा है आपका, ये बैकग्राउंड के अंदर में देखिए यहाँ पर आपको बैकग्राउंड टास्क है ना, वहाँ पर आपको ये फोटेज रेंडर हो रहा है। ये फोटेज आपको एक्सपोर्ट हो गया, बॉय का फर्स्ट बॉय हो गया और सेकंड बॉय लेना है। ऑडियो गिरा दीजिएगा, एक मिनट का पूरा हो गया। इसको कट के हटा दे रहे हैं, इसको लॉक कर ले रहे हैं और फिर सेम प्रोसेस करना है जैसे फोटेज फर्स्ट टाइम हम काटे थे। सारा कुछ सेटिंग किया हुआ, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ क्या करते हैं, बॉय को रिप्लेस कर दे रहे हैं। बॉय भी एक्सपोर्ट हो गया। इसी तरह से सब फोटोज को एक्सपोर्ट करना है आपको, कपल भी एक्सपोर्ट करना है, कपल भी कर लीजिएगा। इसमें दोस्तों मान लीजिए कोई कोई फोटेज का क्लिप शॉर्ट है, बहुत छोटा है और उसको टाइमिंग बढ़ाना है, तो आप उसको कट करके मान लीजिए आपका क्लिप को है छोटा है 2 सेकंड या 3 सेकंड का है, तो इसको बड़ा करना है तो इसको क्या करना होगा, कमांड आर प्रेस कीजिएगा और इसको आप टाइमिंग बढ़ा दीजिएगा आपका, और इसको फिर कमांड आर कर दीजिएगा, या आपका टाइमिंग बढ़ जाएगा, हल्का स्लो मोशन भी हो जाएगा। और इसको आप स्मूथली करना चाहते हैं तो आप यहाँ से वीडियो क्वालिटी में आके ऑप्टिकल फ्लो कर सकते हैं, ये आपका स्मूथ हो जाएगा। दोस्तों ये हमारा सारा फोटेज अब एक्सपोर्ट हो गया। अब इसको क्या करना है, सारा फोटेज एक्सपोर्ट करने के बाद FCP को आप क्लोज कर दीजिए। क्लोज करने के बाद दोस्तों ये जो फोटेज एक्सपोर्ट किया हुआ है, देखिए ये जो फोटेज एक्सपोर्ट किए हैं, इसको इसको क्या करना है, इसको कॉपी करके और ये आपको जो मैकिंटोस HD है ना, वो उसके अंदर में आपको फोटेज को रिप्लेस करना होगा। सेम वहाँ पर आप डाल के इसको रिप्लेस कर दीजिए। दोस्तों जब फोटेज रिप्लेस हो जाएगा उसके बाद क्या करना, एक बार सिस्टम को आपको रजिस्टर करना है, ठीक है। यहाँ से आप इसको रजिस्टर कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पर सिस्टम को हम रजिस्टर कर लिए हैं। सिस्टम रजिस्टर करने के बाद फिर से हम इसको ओपन करेंगे। अभी हमारा फाइनल कट प्रो ओपन हो गया, खुलकर फोटेज एक्सपोर्ट हो चुका है। और इसमें हम क्या करते हैं, ये फोटेज को हटा कर हम वीडियो ले आते हैं, क्योंकि अभी ये वीडियो मिक्सिंग करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, वीडियो इंपोर्ट कर लेंगे। हम क्या करते हैं, कोई वीडियो इंपोर्ट कर लेते हैं टाइमलाइन पे।
ये सारा वीडियो इंपोर्ट हो चुका है। और इसको आप उठा के आसानी से टाइमलाइन पर ड्रॉप कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर रेडीमेड बनाया हुआ प्रोजेक्ट भी अवेलेबल है। इधर हिंदी हो गया, न्यू हिंदी हो गया, भोजपुरी हो गया और भी यहाँ पर रखा हुआ है। इसके अंदर में रखा हुआ ये सॉन्ग हो गया 2020-21 का और ये हो गया 2018-19 का। इसके अंदर में सॉन्ग हो गया और ये आपका टाइटल हो गया। इसके अंदर में 20-25 टाइटल है और ये आपका बीज का हो गया, ये भोजपुरी का हो गया और ये हिंदी हो गया, ये ओल्ड हिंदी हो गया, ये न्यू हिंदी हो गया। ठीक है, एक न्यू हिंदी को हम डबल क्लिक करते हैं। देखिए यहाँ पर ये डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये आ गया हिंदी का। मुख्य दोस्तों इसके अंदर हम सब डबल क्लिक करते हैं। ये टाइमलाइन पे आ गया। अब इसका इफेक्ट देखिए। देखिए इसके अंदर हम फोटेज भी ऑटोमेटिक ले लिया जब हमने एक्सपोर्ट करके जो फोटेज डाला है वो फोटेज। ये जो मुझ पे हुआ है तेरा ही करूं। ये दोस्तों ये सारा बीज है रेडीमेड, इसको कुछ करना नहीं, यहां से कॉपी करना है कमांड ए और कमांड सी। कमांड ए से सारा सेलेक्ट हो गया और कमांड सी से कॉपी हो गया। ठीक है, और ये एरो देख रहे हैं ना, इस पर आप क्लिक मारिए, ये आपका जो मेन प्रोजेक्ट है एमटीएस का या फिर जो भी आपका फाइल रिकॉर्डिंग किया हुआ है वो फाइल के ऊपर आप यहाँ पर कंट्रोल भी मार दीजिए। ये आपके देखिए ऊपर ऑटोमेटिक ये रीड कर गया। ये फाइल जो है ऑटोमेटिक ले लिया, सारा कॉपी पेस्ट प्रोजेक्ट है। मेरे दोस्तों थोड़ा स्लो है क्योंकि अभी मीडिया इंपोर्ट ही हो रहा है, अभी प्रोसेस में ही लगा हुआ है मीडिया इंपोर्ट होने में। और दोस्तों इधर साइड में इफेक्ट भी रखा हुआ है, आप चाहेंगे तो मैन्युअली लगा भी सकते हैं। इसे यहाँ पर लगाना है वीडियो तो आप लगा सकते हैं कि यहाँ पर यह है, ये सभी आप यूज कर सकते हैं। इधर नया में अपडेट में ये भी आया, आप यूज कर सकते हैं ये सबको। एक यूज करके मैं बता रहा, यहाँ पर आप ड्रॉप कर दिए वीडियो कट करके, इसके अंदर में ले लिया। फोटेज को डालना है तो यहाँ पर फोटेज का दोस्तों यहाँ पर एक लाइब्रेरी फोटेज का है नहीं, हम क्या करते हैं बैग जाते हैं और फोटेज को लाइब्रेरी पे हम क्लिक मारेंगे। सॉरी लाइब्रेरी एरर बता रहा है, लाइब्रेरी को हम मूव करके लाइब्रेरी फोल्डर न्यू बनाते हैं, कमांड ओ और न्यू। फोटेज इसको सेव कर देते हैं, यहाँ से हम फोटेज को इंपोर्ट कर ले रहे हैं। फोटेज आ गया और यहाँ पर ये फोटेज का लाइब्रेरी बन गया। अब क्या करना है दोस्तों,
ये जो है फोटेज इसमें अगर डालना है तो आप यहाँ से डाल सकते हैं, ठीक है। और इसके अंदर आप चाहें तो कलर वगैरह भी मिक्स कर सकते हैं, जो भी आपको करना है, या फिर नॉर्मल रखना है नॉर्मल भी रख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। इसी तरह से आप सारा कुछ में कलर वगैरह चेंज थोड़ा बहुत कर सकते हैं आप। आप इसको चाहेंगे तो आप इसको एडिट भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। और यह टेम्पलेट भी रेडी किया हुआ है, आप इसको चाहेंगे तो मैनुअल भी यूज कर सकते हैं। ये फ्रेम में दोस्तों ऑटोमेटिक ले लिया, अगर इस फ्रेम में नहीं लिया है तो आप यहाँ से इंपोर्ट करके इस टाइमलाइन पर भी ड्रॉप करा सकते हैं। ठीक है, इसमें भी सेम वही प्रोसेस करना है, कर सकते हैं। और इसी तरह से आपको मिक्सिंग करना है, और भी इसमें प्रोजेक्ट वगैरह दिया हुआ है, भोजपुरी वगैरह भी है, हिंदी वगैरह भी है, आपको जो अच्छा लगे आप डाल सकते हैं। सब रेडीमेड किया हुआ प्रोजेक्ट है। यहाँ पर दोस्तों लाइट उठ कहीं पर साइड इफेक्ट आपको गड़बड़ नजर आए तो इसको डिसलेबल कर सकते हैं। ये वीडियो ब्लैक है, तो ये दोस्तों आपको मिक्सिंग जो है इसी तरह से करना है। इसको कमांड ए करेंगे, कमांड सी करेंगे, इधर बैक आ जाएंगे और यहाँ पर कमांड भी कर देंगे। ऑडियो गिराना है तो ऑडियो आप यहाँ पर क्लिक मार दिया, ऑडियो गिर गया आपका। अभी दोस्तों अगर इसको आपको वीडियो का रेंडर मारना है तो आप रेंडर करने के लिए क्या करना होगा, आप यहाँ से पहले आई प्रेस कीजिए और आपको जितना देर का वीडियो रेंडर मारना है वहाँ तक ओ प्रेस कीजिए, आपको वीडियो लॉक हो गया, आपका वीडियो यहीं तक ही रेंडर लेगा। और यहाँ से क्या करना है, शेयर पे जाना है, आप एच डी पर भी जाइए, फोर कर पर भी जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर इसको रेंडर करना है तो आप नेक्स्ट कीजिए, और आप यहाँ कहीं भी लोकेशन दे सकते हैं, अपने हार्ड डिस्क में भी दे सकते हैं। ये दोस्तों आपको रेंडर होना वीडियो स्टार्ट हो गया, यहाँ पर देखिए आईकॉन शो करेगा ये रेंडर होने का, देखिए आपको सेकंड चालू हो गया दोस्तों रेंडर होना वीडियो। फिलहाल इस वीडियो में हम यहीं तक बताते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में और कुछ प्रॉब्लम होगा वो आपको हम सब कुछ बताएंगे।